ऑलमोस्ट ऑल द पीपल लव गेम्स एंड स्पोर्ट्स, लगभग सभी लोग खेलों से प्यार करते हैं, वेदर प्लेइंग और टॉकिंग अबाउट देम, चाहे हम उनको खेलें या उनके बारे में बातें करें, दे आर सम पार्टिकुलर सेंटेंसेस, कुछ विशेष वाक्य होते हैं, विच आर इनफ्रीक्वेंट यूज, जिनका बार बार इस्तेमाल होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एन इंग्लिश लर्नर, किसी अंग्रेजी सीखने वाले के लिए, टू प्रिपेयर दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को तैयार करना. सेंटेंसेस इन ट्रांसलेशन फॉर्म, वाक्य जो ट्रांसलेशन फॉर्म में दे रखे हैं, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है, अबाउट स्पोर्ट्स गेम्स, खेलों के बारे में, ही इज हर्ट बैडली, वह बुरी तरह से घायल हो गया है, द मैच हैज़ बिगन, मैच शुरू हो चुका है, द रेन हैज डिस्ट्रॉयड आवर गेम, बारिश ने हमारा खेल खराब हो गया है. डज रुद्र नो हाउ टू बैट, क्या रुद्र को बैटिंग करनी आती है, आई प्रेफर फुटबॉल टू क्रिकेट, मुझे क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, फेल्योर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, असफलता के बाद ही इंसान को सफलता मिलती है, वैन विल द गेम स्टार्ट, गेम शुरू कब होगा, एज द ग्राउंड इज वेट वी कांट प्ले, क्योंकि मैदान गीला है हम नहीं खेल सकते. इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं, मुख्य सेंटेंसेज है खेलों से संबंध में, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, इसकी ट्रांसलेशन की गई है इंग्लिश से हिंदी के अंदर. ही हैजिटेड 2 4s and 1 6, उसने 2 चौके और 1 छक्का लगाया है. कोहली हैज सेट ए रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग फास्टेस्ट 10,000 runs बाय एनी इंडियन, कोहली ने किसी भी भारतीय के द्वारा सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया. हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर, आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है. हाउ मेनी टीम्स विल पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में कितनी टीमें हिस्सा लेगी. इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन दैट मैच वॉज अबिज़मल और मिजरेबल, उस मैच में भारत की परफॉर्मेंस शोचनीय थी, मिजरेबल थी. हिज एंकल स्प्रेंट, उसके टखने में मोच आ गई. हु इज़ द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा है. आई हैव टू लर्न हाउ टू स्केट, मुझे स्केटिंग करना सीखना है. ही शफल्ड कार्ड एंड आई कट, उसने बत्ते मिला और मैंने काटे. द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, मैच ड्रॉ हो गया. डू यू नो हाउ टू प्ले चेस, क्या आपको चेस खेलने आते. द ग्राउंड इज वेट, मैदान गीला है. आई डेडिकेट दिस ट्रॉफी टू माई कोच, मैं इस ट्रॉफी को अपने कोच को समर्पित करता हूँ. टेक गुड डाइट फॉर स्टेमिना, ऊर्जा के लिए अच्छी खुराक लें. डिफरेंस बिटवीन द वर्ड स्पोर्ट एंड स्पोर्ट्स, These words quite often confuse. Often American word है, often British word है. हम often भी यूज़ कर सकते हैं, often भी यूज़ कर सकते हैं. ये words हमें काफ़ी confuse करते हैं, विचित करते हैं. There is a difference, इनमें फ़र्क भी है. The difference of region, फ़र्क किस चीज़ का, क्षेत्रों का फ़र्क है. The former जो पहला है sport, वो British English से belong करता है, संबंध रखता है. The latter जो बाद का शब्द है sports, वो American English से संबंध रखता है. अगर आप इन वाक्यों को और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें.